सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 27th नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कनिका और गौतम दो पार्टनर हैं। ये बिजनेस एक ड्राई क्लीनिंग बिजनेस करते हैं लखनऊ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉफिट होता है इनका शेयरिंग का वो क्या रेशियो है, 2:1 है, और कैपिटल लगा रखी है 5 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कनिका क्या करती है, ड्रॉइंग करती है फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, पे हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन, ठीक है ना, अपने जो इसका बच्चा है उसके एक्सपेंसेस हॉस्टल के जो उनको पे करने के लिए अमाउंट निकालती है। तो 1 अप्रैल को निकाला, जून को, नवंबर को, कोई टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो टाइम फिक्स है 1 तारीख को है, लेकिन जो अमाउंट है वो डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ये एवरेज पीरियड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आपके पास क्या है इसके लिए मेथड, क्या कहता है गौतम क्या करता है, ये तो किसकी ड्रॉइंग थी, कनिका की थी, और गौतम क्या ड्रॉइंग करता है, 15,000 निकालता है 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, पे रेंट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब हाउस परचेज कर रखा है उसका जो रेंट है वो कौन पे करता है, गौतम पे करता है। ही ऑल्सो पे 20,000 पर मंथ रेंट ऑफ ऑफिस ऑफ अ पार्टनरशिप विच इज नियर बाय शॉपिंग कम्प्लेक्स। तो भाई हमें क्या मतलब है, कहीं पर कुछ पे करे वो, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम से। तो अगर हम बात करें किसकी, कनिका की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कनिका की बात करें, ठीक है ना, सेकंड किसकी बात करते हैं हम, गौतम की बात करते हैं। कनिका कब करती है, 1 अप्रैल को निकालती है, कितने निकालती है ये, 10,000 अमाउंट निकालती है। उसके बाद कब निकालती है ये, 1 जून को निकालती है, कितने निकालती है, 9,000 निकालती है। उसके बाद कब निकालती है ये, 1 नवंबर को निकालती है, 11 मंथ में निकालती है, कितने निकालती है ये, 14,000 निकालती है। नेक्स्ट कहती है 1 दिसंबर में निकालती है, ठीक है ना, और ये कितने निकालती है, 5,000 निकालती है। ये तो किसके केस है, कनिका का। और गौतम कैसे निकालता है, गौतम निकालता है 15,000 ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल। तो 1 अप्रैल को कितने निकालता है ये, 15,000 निकालता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें उसके बाद कब निकालता है ये, 1 जुलाई को निकालता है, 7 मंथ में निकालता है, कितने, 15,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कितने निकालता है ये निकालता है अक्टूबर में, अगर हम बात करें अक्टूबर में निकालता है। अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10th, 10वां महीना होता है, यहाँ पर भी क्या निकालता है ये, 15,000 निकालता है। उसके बाद ये कब निकालता है, जनवरी में निकालता है, और ये कितने निकालता है, 15,000 निकालता है, ठीक है। अब आपने देखना है रेट क्या, रेट है इनके ऊपर, रेट क्या लगाना है, 6%, ठीक है ना, 6% लगाना है सभी के ऊपर, ठीक है, कितना लगाना है, 6% सभी के ऊपर, कितना लगाना है, 6%, ठीक है ना, कितना लगाना है, 6%, 6%, और ये 6%, और ये भी कितना है, 6%, ठीक है। अब कहता है टाइम निकालना है कि कितने टाइम के लिए पैसे निकाल रहा है। तो इसने कब निकाले, 1 अप्रैल को निकाल लिए, तो कितने मंथ के लिए निकाले इसने, 12 मंथ के लिए, ठीक है ना, तो 12 मंथ के लिए निकाल लिए इसने। यहाँ पर कब निकाले इसने, 6 मंथ में निकाले हैं, 6 मंथ मतलब 4/5 2 महीने छोड़ के निकाले हैं, तो इसके पास कितने हैं, 10 मंथ के लिए निकाले हैं। अगर कब निकाले हैं, 11 महीने में निकाले हैं, तो 2 महीने वो, 3 महीने वो, 5 महीने पहले निकाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 दिसंबर को निकाले हैं, तो ये कितने महीने निकाले हैं, 4 मंथ के लिए निकाले हैं। तो भाई अगर आप अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो टाइम काफी लग जाएगा, ऐसे ही इसमें कैलकुलेशन करो, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए निकालने हैं, 15,000 निकालने हैं, कब निकाले हैं, 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ के लिए, 12 महीने के लिए, 7वें महीने में निकाल रहे हैं, तो ये कितने हैं, 4, 5, 6, 3 महीने कम है तो 9 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, ये 10वें महीने में निकाल रहे हैं, तो 10 और 2, 10, 11, 12, 3 और 3, 6, तो 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं, और 1 जनवरी को निकाल रहे हैं तो 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं।
अगर आप वन बाय वन करके करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करना है, कॉमन वैल्यू को एक साइड में निकाल लेना। जैसे ये तीन ही जीरो सभी के अंदर है, तो 1000 क्या है, सभी के अंदर है, तो इसको क्या रख लो आप, बाहर रख लो। 6% सभी के अंदर है, तो 6/100 सभी को बाहर रख लो। यहाँ पर क्या है, 12 1/12 सभी के अंदर सेम है, तो 12 महीने तो सभी के अंदर सेम है, कॉमन है, क्योंकि 12/12, 10/12 और 5/12 और क्या है, 4/12, पूरे 12 महीने। तो यहाँ पर डिवाइड कैसे करोगे, 12 से। ये चीजें कॉमन आ गई, जो कॉमन नहीं है उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। तो इसमें से क्या निकल गया, 10 रह गया और यहाँ पर 6 निकल चुका है, ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना है, 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, ये 14 है और ये 5 है, 14 पंजे कितने हो जाते हैं, ये 70 हो जाते हैं मेरे ख्याल से। 14 पंजे कितने हो जाते हैं, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 5, 5 होके कितने हो जाते हैं, 20। नेक्स्ट क्या है, 1, 1 को 1 से करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ये 120 प्लस 90, 120 प्लस 90, ठीक है ना। प्लस क्या करोगे, 70, ठीक है। प्लस क्या करोगे, 21, ठीक है। प्लस करोगे 21, तो मेरे पास आएगा 301, ठीक है ना। ये मेरे पास कॉमन वैल्यू आएगी, तो इसके डिवाइड कितने से कर देते हैं, 1 से, और क्या लिख देते हैं, 301, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1000 से, 6 जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, 301 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6000 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6000 से, तो आंसर कितना आएगा, 18,06,000। और डिवाइड किससे करोगे, इसको 1200 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 1200 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1505, जो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें किसकी, ये बात करते हैं गौतम की। गौतम ने क्या है, इससे कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन एक तो अपना क्या निकल गया, 15,000 कॉमन निकल गया, 6/100 कॉमन निकल गया। अगर हम मंथ की बात करें तो 1/12 आपका कॉमन निकल गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, ये तो आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9, क्योंकि ये तो कॉमन हो चुका है, तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 9 ये हो जाते हैं भाई 30, ठीक है ना। और कितने से करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 1 से, और ये कितना कर देते हो, 30 मल्टीप्लिकेशन में डाल देते हो, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप बात करो कितने से, 30 को मल्टीप्लिकेशन करो कितने से, 15,000 से, ठीक है ना। और फिर क्या करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करो, 6 से करो, और 6 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइड किससे कर दो, 1200 से इसको डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2250। तो इस तरीके से आप इसको इजी कर सकते हो। अगर 1 बाय 1 करोगे तो आपका काफी टाइम लग जाएगा, और क्या आपका आंसर करेक्ट बैठे या ना बैठे, तो आपको टाइम बचा के काम करना है। यहाँ पर कितना है, 120 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120, तो ये 300 बैठता है, ना कि 301, तो आपको यहाँ 300 लगाना है। तो ये 300 अगर यहाँ आएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1500 आ जाएगा, तो 1500 आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।